गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स। तो आज का टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स एंड यू नो अबाउट द अल्किन्स इन विच कार्बन कार्बन कैरी डबल बोन्ड एंड द स्टार्टिंग ऑफ अल्किन विल टेक्स प्लेस फ्रॉम द इथीन, यू नो दैट। सो आज हम अल्किन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो अल्किन्स होते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड वी कैन से दैट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुत सी टाइप की रिएक्शन है जिसमें अल्किन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सी रिएक्शन के बारे में डिस्कस होगा। सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन बता दूं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है। आप लोगों को मैंने इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में बता रखा है, इलेक्ट्रोफाइल्स दैट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स नेगेटिव, ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो देखिए, सबसे पहले जो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन होते हैं, जब ये किसी भी अदर एटम किसी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो मान लो सपोज दिस बी हमारा एटम है ए बी मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और नेबरिंग कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, ठीक है। तो आफ्टर दैट जब इस तरीके की कंडीशन अराइज होगी तो मे बी आप इस साइड, ये दोनों सेम एटम है, इस साइड बॉन्ड अगर आप क्लीवेज कर रहे हैं तो ये कार्बन कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज और ये जो ए है ये इस कार्बन, आपको पता है ये मैंने क्लीवेज आपको बता रखी है, इसे हेटरोलिटिक क्लीवेज कहते हैं। अगर ये इधर की तरफ मूव करेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और ये जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कौन सा चार्ज कैरी कर रहा है, ये चार्ज कैरी कर रहा है नेगेटिव चार्ज। और ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डेफिनेटली हेटरोलिटिक क्लीवेज की हेल्प से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, बॉन्ड इधर की तरफ मूव होगा। तो इस नेगेटिव के पास अगर हम बात करें या इस पॉजिटिव को कौन लेने आएगा, ये नेगेटिव इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे, एक ही अटैचमेंट में आपको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन को बोलेंगे कार्बोकेटायन। तो आपको मैं बता दूं जो अल्किन्स होते हैं वो काफी सारी टाइप की रिएक्शन शो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझाने के लिए एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट लिया है कि जो भी अल्किन्स होते हैं वो किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहे हैं और अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन एटम कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड नेबरिंग कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना क्लियर है? तो इस पे पोलर मॉलिक्यूल हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम होंगे वैसे ही उनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और पाई बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, समवट पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बॉन्ड इधर की तरफ अगर मूव होता है तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा और नेगेटिव अगर पॉजिटिव की तरफ पास जाता है, मतलब पॉजिटिव को अपने पास लेके आता है, तो इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी। और इस बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, तो कंडीशन बन जाएगी कार्बोकेटायन की। किसकी कंडीशन बन जाएगी, कार्बोकेटायन की। और इस कंडीशन के अंदर बी नेगेटिव क्या हो जाएगा, हमारा जो बी नेगेटिव है ये इधर चला जाएगा तो बी पार्शियल नेगेटिव हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब ये जो बी है अगर ये इसके ऊपर अटैक करे, कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करता है तो फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, हमारे पास अगर ये इसके ऊपर अटैक करता है तो फॉर्मेशन हो जाएगी इस कार्बन के ऊपर। एक साइड अगर हमने ए लगाया है तो दूसरी साइड बी भी जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये हुआ सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स दैट कैरी कार्बन, दैट एटम कैरी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कार्बन इस कार्बन, ये एटम इस कार्बन के पास गया है तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने एडिशन किया है सबसे पहले अपना, उसके बाद उस एडिशन की वजह से नेबरिंग जो कार्बन है उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी किया है ड्यू टू हेटरोलिटिक क्लीवेज और इस पॉजिटिव चार्ज के बाद ये नेगेटिव चार्ज अटैच हो सकता है। तो ये हो गई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का छोटा सा मकैन, वो वी कैन से द स्टेप और कंसेप्ट। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन कैसे ऐड होते हैं अब हम डिटेल में तो बात नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी जितना हमारे पास है सिलेबस में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब इसमें Br2 डाला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड दोनों Br2 बिल्कुल सेम एटम है तो एक एटम इस पे जाकर और एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक एटम यहाँ लगेगा Br का, एक एटम यहाँ अटैच होगा, तो CH2 Br1 यहाँ लग जाएगा बच्चों और एक CH2 Br यहाँ अटैच हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे 1-2 डायब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन हमेशा प्रीफिक्स की तरह काम करता है, तो 1-2 डायब्रोमो और दो कार्बन की वजह से इथेन, 1-2 डायब्रोमो इथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है।
और आपको ये बता दूं ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगर ये रिएक्ट, अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो अल्कीन है और Br2 ने अगर उससे प्रॉपर रिएक्ट किया है तो रेडिश कलर ऑफ ब्रोमीन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, तो ये कलर हो जाएगा बिल्कुल डिसअपीयर, मीन्स कलरलेस प्रोडक्ट विल फॉर्म। और अगर यहाँ हम अल्केन की जगह अल्कीन लेते, वो सॉरी अल्कीन की जगह अल्केन लेते, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन लेते, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो ब्रोमीन डालते तो रेडिश कलर होता, तो लास्ट में प्रोडक्ट बनता तब भी रेडिश प्रोडक्ट, वैसे तो रिएक्टिविटी होती ही नहीं, तो ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वाटर जो है वो तभी रिएक्ट करता है जब आपके पास जो रिएक्टेंट है वो अल्कीन हो, ठीक है, डबल बॉन्डेड कंडीशन हो, तभी ब्रोमीन अटैच होता है और वो अपने रेडिश कलर को कलरलेस में चेंज करता है। जो ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया है ये कलरलेस प्रोडक्ट बनेगा, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जाते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं इसे, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स, एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स, और हेलो एसिड से नाम से क्लियर हो रहा है HI, HBr, HCl, हेलो हाइड्रोजन, हेलोजन और उसके साथ H, H किसको रिप्रेजेंट करता है? एसिड को। एच किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? एसिड को, तो दे आर कॉल्ड हेलो एसिड। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी जो है, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी HI की है, फिर HBr की, और सबसे कम रिएक्टिविटी है HCl की। एच आपको जनरली नहीं लेते क्योंकि फ्लोरिन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, इस वजह से। तो अभी हम इस तरह के कंपाउंड में अगर अल्कीन के केस, अल्कीन के अंदर हेलो एसिड, कोई भी हेलो एसिड डालते हैं और हमें पता है जो हाइड्रोजन होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। ये जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड की वजह से, ये बॉन्ड भी क्या है? पोलर बॉन्ड है। चाहे वो इधर ब्रेक करिए, चाहे वो इधर ब्रेक करिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। सपोज हमने इधर की तरफ ब्रेक किया तो आपको पता है यहाँ कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, और जब पॉजिटिव जाएगा तो इस तरीके से एच अटैच हो जाएगा, और यहाँ इस कार्बन पे, इस पे नेगेटिव है बोन, बोन जब इधर जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन के पास ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, हेलोजन चला जाएगा, तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो उसमें कुछ पोलैरिटी होती है, और जब भी कोई अदर पोलर मॉलिक्यूल उसमें ऐड किया जाता है तो वो बहुत जल्दी उससे रिएक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इसी तरीके से मैं बात करती हूँ, इतना करने के बाद मैं अब बात करूंगी, वी विल डिस्कस एडिशन ऑफ ए HX टू सिमेट्रिकल अल्कीन, एडिशन ऑफ HX टू सिमेट्रिकल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन। बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन क्या होती है? सपोज CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों कार्बन बिल्कुल एक जैसे हैं, उनपे दोनों पे दो दो हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे अल्कीन को हम जो बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोला जाता है ऐसे अल्कीन को? सिमेट्रिकल अल्कीन। और इस केस के अंदर कभी कोई भी हेलो एसिड डाला जाएगा, हेलो एसिड डाला जाएगा तो कहीं पे भी एच भेज दीजिए, कहीं पे भी सीएल चला जाएगा, वो डिपेंड करता है बॉन्ड कहाँ ब्रेक हो रहा है। अगर बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और सपोज अगर बॉन्ड कहाँ ब्रेक होता है? इधर की तरफ ब्रेक होता है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? हमेशा नेगेटिव जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप HCl मींस HX को ऐड कर सकते हैं इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल अल्कीन के केस में कोई कंडीशन नहीं होती, बिल्कुल भी कोई कंडीशन नहीं होती, बस जो भी ग्रुप है वो आसानी से बिल्कुल ऐड हो जाता है, ठीक है। और कौन सी क्लीवेज होती है मॉलिक्यूल के अंदर? हिट्रोलिटिक क्लीवेज विल टेक प्लेस, ठीक है। और सम केसेस, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर इस सिमेट्रिकल अल्कीन की जगह अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो जाए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब है इस तरह की कंडीशन अगर अराइज हो जाती है, इस तरह की कंडीशन अगर अराइज होती है, और ऐसे केस में हम कोई भी हेलो एसिड डालते हैं, हेलोजन को बोल रहे हैं हेलो और एच को बोल रहे हैं एसिड, तो कोई इस कंडीशन में अगर हम कोई हेलो एसिड डालते हैं तो इस कंडीशन में मार्कोवनिकोफ रूल अप्लाई होता है, और वो रूल ये कहता है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोफ रूल ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ दिस हेलो एसिड इन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। व्हाई इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अल्कीन? बिकॉज अराउंड द डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड एक साइड तो अल्काइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है, और दूसरी साइड कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा कार्बन के ऊपर। सो इस तरह के अल्कीन को अनसिमेट्रिकल अल्कीन बोलते हैं। और इन दिस कंडीशन If we will add the HBr, then we can say that the negative part कहाँ move करेगा और positive part कहाँ move करेगा। तो in that case, in that case of alkene when the multiple bonds are present, then the negative part of the attacking reagent joined with the carbon atom which have a lesser number of hydrogen atom. तो around the double bond किसके पास lesser number of hydrogen है? इसके पास। तो negative part वहां जाएगा जहां hydrogen atom कम है around the double bond, और पॉजिटिव पॉइंट जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है अराउंड द डबल बॉन्ड। तो इस तरह की कंडीशन अराइज हो जाएगी,
इस तरह की कंडीशन अराइज हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे 1, 2, 3 नेमिंग आप याद कर लीजिए और नेमिंग आप प्रैक्टिस करिए अपने पिछले चैप्टर से 2-bromo-propane इसे बोलेंगे 2-bromo-propane। सो दिस रूल इज कॉल्ड ऑन द अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो रूल अप्लाई होगा मार्कोवनिकोव्स रूल। कौन सा रूल है बेटा? मार्कोवनिकोव्स रूल। व्हेन द ड्यूरिंग द अनसिमेट्रिकल अल्कीन व्हेन हेलो एसिड विल एड ड्यूरिंग द व्हेन वी हैव ए रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अल्कीन। यू नो अबाउट द अनसिमेट्रिकल अल्कीन नाउ, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। एंड आफ्टर दिस एडिशन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस अराउंड द डबल बॉन्ड एंड द पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर मोर अराउंड द डबल बॉन्ड। इसकी बात नहीं होगी, इसके साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा इसकी कोई बात नहीं है। अराउंड द डबल बॉन्ड आप कार्बन को देखें, जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर नेगेटिव पार्ट जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज 2-bromo-propane। दिस इज कॉल्ड मार्कोवनिकोव्स रूल। सो इसी के अपोजिट में एक रूल और आया, उसका नाम रखा गया या उसको बोला गया जो उससे थोड़ा सा रिवर्स था। एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया, क्राश इफेक्ट के नाम से मैं उस इफेक्ट को बोलूंगी, और क्राश नाम के साइंटिस्ट ने उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिसको उन्होंने मार्कोवनिकोव का अपोजिट रूल बना दिया, दैट इज कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। और उस रूल को उन्होंने, उस कंसेप्ट को उन्होंने परोक्साइड, स्पेशली बेंजोइल परोक्साइड की प्रेजेंस में उस कंसेप्ट को अप्लाई करके दिखाया। तो उन्होंने एरो के ऊपर हम लिख सकते हैं, शॉर्टिकली हम लिख सकते हैं परोक्साइड यूज किया गया, स्पेशली उन्होंने बेंजोइल परोक्साइड यूज करके दिखाया। और उसकी प्रेजेंस में उन्होंने अपने कंसेप्ट को उल्टा प्रूफ किया कि जो नेगेटिव पार्ट था वहां जा रहा था जहां पर हाइड्रोजन एटम क्या है, ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन एटम कम है। इस रूल के अंदर और इस कंसेप्ट के अंदर जो क्राश ने प्रूफ किया था कि परोक्साइड की प्रेजेंस में जो मार्कोवनिकोव का रूल है वो उसके एंटी हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, फिर मार्कोवनिकोव रूल को ही बोला गया एंटी मार्कोवनिकोव रूल इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड इफेक्ट। सो दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कोल्ड परोक्साइड इफेक्ट एंड दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कोल्ड क्राश इफेक्ट। एंड इन दिस कंडीशन नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आर लेस। ओके, सो इतना आपको पता होना चाहिए। इन दैट केस एंटी मार्कोवनिकोव रूल आपसे पूछे तो बिल्कुल मार्कोवनिकोव का आपने अपोजिट बताना है और उसमें बीआर को अपने फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच करना है। इन दैट केस दैट इज एक्सेप्शन ऑफ मार्कोवनिकोव रूल विच इज कॉल्ड एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और मैंने जो आपको यहाँ पर परोक्साइड बताया वो था बेंजोइल परोक्साइड, और बेंजोइल परोक्साइड का बच्चों फॉर्मूला है C6H5C OO C OO C6H5। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइल परोक्साइड। और इसके जो काफी जो है मैकेनिज्म्स भी हम इसके करेंगे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, जिसके अंदर हम होमोलिटिक क्लीवेज की हेल्प से पूरे मैकेनिज्म को करेंगे। मार्कोवनिकोव का जो मैकेनिज्म है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। मैकेनिज्म होता है व्हेन ए रिएक्शन इज एक्सप्लेन इन ए 2 or 3 स्टेप। जब किसी एक रिएक्शन को 2 या 3 स्टेप में एक्सप्लेन करते हैं तो वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती है। और एंटी मार्कोवनिकोव का जो कंसेप्ट है उसने प्रूव किया ऑन द बेसिस ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर तो 2 एटम होंगे तो वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाते हैं, जिसे हम होमोलिटिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। इतना आपको पता हो तो एंटी मार्कोवनिकोव बिल्कुल अपोजिट है मार्कोवनिकोव इफेक्ट का। ये कंसेप्ट जो है क्राश और मायो ने एक्सप्लेन किया था 1933 के अंदर, तो इसे क्राश इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोवनिकोव इफेक्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे इसके बाद इफेक्ट एडिशन ऑफ वॉटर। अगर हम बात करें एडिशन ऑफ वॉटर के एडिशन की अगर हम बात करते हैं अल्कीन्स के अंदर, तो अल्कीन्स के अंदर जब भी वॉटर को ऐड किया जाएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ वॉटर ड्यूरिंग द अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयन्स मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ एच आयन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वी नो दैट ये जो है वो किसके हेल्प से डिवाइड हुई, ये क्या किस किस में आयन्स में डिवाइड होता है, एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव में जो वाटर है वो हाइड्रोलाइज होता है, ब्रेकडाउन होता है। तो हमें बिल्कुल मार्कोवनिकोव रूल और ये वाटर के एडिशन भी हम इजिली देख पाएंगे, जिसमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ही आप इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो। और वाटर की जो एडिशन होती है वो बिल्कुल मार्कोवनिकोव रूल की तरह होती है, और अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकोव रूल यू नो दैट द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड पॉजिटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन एटम वेयर द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अराउंड द डबल बॉन्ड, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्यों बोल रखा है ऐसे ही आपको पता चल गया, बिकॉज के अंदर डबल बॉन्ड के अराउंड एक साइड तो अल्काइल ग्रुप लगा है और एक साइड अटैच नहीं है, तो इन दैट केस यहां पर आ जाएगा नेगेटिव पार्ट। एंड तो एडिशन ऑफ वॉटर इन द अल्कीन्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ
विद द एंड फॉलो द रूल मार्कोनिकोव्स रूल। तो एडिशन जो होती है एल्कीन्स के की एल्कीन्स के अंदर वाटर की वो बिल्कुल मार्कोनिकोव्स रूल को फॉलो करती है। वाटर के अंदर दो आयन्स है एच आयन ओ एच आयन, जो नेगेटिव पार्ट है वो वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन एटम कम है अराउंड द डबल बोंड। सो दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द एल्कीन्स। सो नाउ सेम इसी तरीके से एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स, हेलो एसिड्स मीन्स या हेलो हेलस, हेलो एसिड नहीं हेलो, हेलो एसिड तो हमने अभी सीखे थे एच एक्स को बोल रहे थे, हेलो हेलस होते हैं एच ओ सी एल, ठीक है एच ओ एक्स सॉरी हेलो हेलस दिस इज कॉल्ड एच ओ सी एल। जैसे हेलो क्लोरस हो जाएगा हेलो क्लोरस, तो एडिशन ऑफ हेलो हेलस, अगर मैं क्लोरस की बात करूंगी हेलो क्लोरस की बात करूंगी तो वो हो जाएगा एच ओ सी एल, तो उसकी एडिशन भी वही होगी नेगेटिव पॉजिटिव, बिल्कुल मार्कोनिकोव रूल की तरह चलती हैं सारी एडिशंस। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन भी होती है, वो भी मार्कोनिकोव रूल की तरह एल्कीन्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की मैं बात करूं मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात करूं मैं, that explain that takes place in the presence of alkenes, so we have a formula, basic formula C2H4, ठीक है सबसे स्टार्टिंग का फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं इथीन C2H4। अगर मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड करती हूँ तो मेरे पास फॉर्मेशन हो रही है CO2 plus H2O, और हीट क्या कर रही है रिलीज हो रही है लगभग 1400 किलो जूल की जो एनर्जी है, लगभग इतनी एनर्जी क्या कर रही है रिलीज हो रही है किलो जूल पर मोल के हिसाब से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो बच्चों इतना आपको पता हो, आप इस रिएक्शन को पहले तो जरूर बैलेंस करेंगे क्योंकि बैलेंसिंग के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती है। यहाँ पर कार्बन 2 है तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 2 जा 4, और यहाँ पर 2 लगा दीजिए 6 हो जाएगा, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। अगर मैं इसके लिए जनरल फॉर्मूला अप्लाई करूं तो जनरल फॉर्मूला अप्लाई होगा CnH2n, ठीक है बच्चों, प्लस 3n बाई 2 O2 गिव राइज टू NCO2 plus NH2O। मैंने अल्केन के केस में भी आपको जनरल फॉर्मूला बताया था ऑक्सीडेशन का, तो अल्कीन्स के केस में भी जनरल फॉर्मूला है ऑक्सीडेशन का। देखिए यहाँ पर जो N है वो कार्बन के लिए है, तो C2 हो जाएगा H2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया, ऊपर आप आंसर देख सकते हैं इसका। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं N यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 ये फॉर्मूला है, तो 6/2 तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ 3 हो रहा है बैलेंसिंग के बाद। उसके बाद यहाँ ये एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ आपको दिख रहा है नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी एन है, एन क्या है नंबर ऑफ कार्बन, तो देखिए यहाँ भी 2 है, तो आप देख रहे हैं ये जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए उसके हिसाब से। अब मैं आपको कोई भी एल्कीन दे दूं, ये तो मैंने इथीन लिया, इथीन की जगह मैं कोई भी एल्कीन दे दूं आपको प्रोपीन पेंटीन, तो आप ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो ये जनरल फॉर्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है इतना आपको पता हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीडेशन करना है हमने पोटेशियम परमैंगनेट की हेल्प से। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की हेल्प से, जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं हॉट और कोल्ड दोनों की कंडीशन हमें याद करनी है। तो जब भी पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो या वाटर के साथ, वाटर की प्रेजेंस में, पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके दिखाइए जब सॉल्यूशन बन रहा है, फिर ऑक्सीजन को लेंगे तो फॉर्मेशन होती है किसकी, KOH की, MnO2 की, ठीक है KOH बनता है MnO2 बनता है और साथ में लेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। जब आप इस पूरी रिएक्शन को क्या करेंगे बेटा, बैलेंस कर लेंगे इस पूरी इक्वेशन को, आप क्या कर लेंगे इस पूरी इक्वेशन को आप बच्चा बैलेंस कर लेंगे। आफ्टर द बैलेंसिंग हम क्या देखते हैं, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और आप देख रहे हैं इसमें नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है 3 एटम, तो हमने एक नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करना है। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन जब KMnO4 लिया है, वाटर लिया है और अल्कीन ऐड करी है, तो जो अल्कीन के अंदर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हुई है, ये नेसेंट ऑक्सीजन वाटर की एक्सेस अमाउंट डाल रखी है, ये नेसेंट ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पर क्या है एच आयन और ओ एच आयन है आपको पता है, तो ये रिएक्ट होकर दोनों एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा CH2OH और CH2OH, जिसको हम ग्लाइकोल बोल सकते हैं या बोल सकते हैं इथेन 1,2-diol, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जब KMnO4 ऑक्सीडेशन विद KMnO4 है, KMnO4 वाटर से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है बाय प्रोडक्ट KOH MnO2 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन वाटर से रिएक्ट करके इथेन से रिएक्ट कर जाता है, ओ और वाटर के अंदर होता है एच और ओ एच, ओ एच
यहाँ रिएक्ट कर जाएगा, टैच और ओएच भी यहाँ रिएक्ट कर जाएंगे, तो दो ओएच के मॉलिक्यूल यहाँ अटैच होंगे जो कि हमारे पास एक प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज इथेन 1,2-diol। ये जो अल्कलाइन की KMnO4 है, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन है, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेयर्स रिएजेंट। दिस अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन जिसके अंदर KOH और MnO2 की प्रेजेंस भी होती है, ये होता है बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बेयर्स रिएजेंट। तो एरो के ऊपर हम लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या यूज किया रिएक्शन में, हमने यूज किया अल्कलाइन। अल्कलाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर KOH की फॉर्मेशन हुई है, KOH अल्कलाइन होता है, बेस होता है। अल्कलाइन KOH लिखेंगे, सॉरी KMnO4 लिखेंगे हम एरो के ऊपर, और कंडीशन लिख देंगे बच्चों हम 273 केल्विन, और वाटर कैसा लिख देंगे, कोल्ड वाटर की कंडीशन में रिएक्शन होगी। तो अल्कलाइन KMnO4 इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, इतना आपको। KMnO4 को बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट, इट इज ब्राइट पिंक कलर। ये किसे होता है, अल्कलाइन KMnO4 ब्राइट पिंक कलर का होता है। इट हेल्प इन द ऑक्सीडाइज अल्कीन, ये अल्कीन्स को ग्लाइकोल में बदलता है, जिसे हम इथेन 1,2-diol बोल रहे हैं, विच इज कलरलेस। जो पिंक कलर डाला था, बट ये जो प्रोडक्ट मिला है हमें, ये कम्प्लीटली कलरलेस है, ठीक है। एंड दिस पिंक कलर ऑफ द बेयर्स रिएजेंट इज डिस्चार्ज एंड ब्राउन पीपीटी ऑफ, साथ में जब ये रिएक्शन हो रही होगी कुछ ब्राउन पीपीटी बनेंगे, वो ब्राउन पीपीटी MnO2 के होंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये रिएक्शन जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट था, मैंने बताया था ब्रोमीन डालेंगे तो रिएक्शन रेडिश कलर ऑफ द ब्रोमीन कन्वर्ट इनटू द कलरलेस, सेम इसी तरीके से अल्कलाइन KMnO4 भी एक टेस्ट होता है। अल्कलाइन KMnO4 विल रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द अल्कली टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड KOH विद द MnO2 विच इज कॉल्ड पीपीटी, विच इज कॉल्ड ब्राउन कलर पीपीटी। व्हेन द रिएक्ट इन द दिस कंडीशन, व्हेन द अल्कलाइन KMnO4 रिएक्ट विद द इथीन, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल विल टेक्स प्लेस, विच इज कम्प्लीटली कलरलेस कंपाउंड। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर डबल बॉन्डेड कंपाउंड, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 टेस्ट। एंड इन दिस कंडीशन दिस टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर्स टेस्ट। ये जो अल्कलाइन KMnO4 से बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं, तो दिस टेस्ट इज कॉल्ड बेयर्स टेस्ट, इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन विद हॉट पोटेशियम KMnO4। वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन विद हॉट KMnO4, हॉट KMnO4 के साथ जब ये रिएक्ट करता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4, देन द फॉर्मेशन किसकी हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है किसकी, एसिड की। और साथ में जब ये रिएक्शन होती है, पानी तो होता ही है, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो नेसेंट ऑक्सीजन इस मिथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O की। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज कॉल्ड इथीन, एंड व्हेन इथीन रिएक्ट विद द अल्कलाइन और हॉट KMnO4, इट फॉर्म द मिथेनोइक एसिड एंड द नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ KMnO4, यू नो दैट इन द हॉट एंड कोल्ड कंडीशन बोथ। सो दिस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट विद द मिथेनोइक एसिड एंड रिलीज द CO2 गैस ऑल्सो, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। सो नाउ ड्यूरिंग दिस रिएक्शन देयर टू CH2 ग्रुप आर प्रेजेंट, सो after the cleavage of this, when the product will form, then the two methanoic acid will form, and after the oxidation, two CO2 जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होंगे इस कंसेप्ट के अंदर, इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और हॉट कंडीशन में मैंने आपको बताया था, जिसे हम अल्कलाइन KMnO4 की जो कंडीशन थी उसके अंदर, हम जो अल्कलाइन KMnO4 था कोल्ड कंडीशन के अंदर, उसे हमने बोला था बेयर्स रिएजेंट, और उस टेस्ट को हमने बोला था बेयर्स टेस्ट। और हॉट KMnO4 की कंडीशन के अंदर बन जाएगा सबसे पहले दो मॉलिक्यूल मेथनोइक एसिड के, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होकर बन जाएंगे दो CO2 के मॉलिक्यूल। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम, ओजोनोलाइसिस। अब ये ओजोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है, ये भी अल्कीन्स के केस में ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ओजोन ऐड किया जाता है इसके अंदर, ओजोन मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, जिसे हम ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। और इसके अंदर ब्रेकडाउन होता है जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होगा यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2 195 से 200 केल्विन टेम्परेचर के अंडर कार्बन के क्लोरो कंडीशन होनी चाहिए, ट्राई क्लोरो या टेट्राक्लोरो कंडीशन में, ठीक है, कार्बन के साथ। ये इतने टेम्परेचर पर ये ओजोनोलिसिस का प्रोसेस टेक्स प्लेस होता है, यहाँ पे ओजोनोलिसिस होती है। तो क्या होगा, इन दैट कंडीशन एक हर्ड शेप स्ट्रक्चर बनता है, उस हर्ड शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, उस हर्ट शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है ओजोनाइट। यहाँ पर तीन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, वो हर्ट शेप स्ट्रक्चर में अटैच हो जाते हैं, और दो जो कार्बन है वो उसके साथ में ही
यहाँ पर दो कार्बन दिख रहे हैं आपको इथीन के केस में, तो दोनों कार्बन इस तरीके से हमने अटैच करने हैं। इस इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर को बोलते हैं ओजोनाइट, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन में बच्चों ओजोनाइट, इस कंडीशन के अंदर जब इसमें जिंक डाला जाता है और रिडक्शन की जाती है, जिंक के साथ रिडक्टिव मीन्स रिडक्शन की जाती है, तो क्या देखते हैं हम यहाँ पर, ये ब्रेक डाउन होता है। जिंक जो है वो ओ को ले जाता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, अपने में से ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, तो बन जाता है माइनस जेड एन ओ। और ये प्रोडक्ट दो बने हैं HCHO HCHO, तो यहाँ पर दो मिथेनल के प्रोडक्ट, दो अल्डिहाइड प्रोडक्ट, इस ओजोनोलिसिस रिएक्शन में दो कीटोनिक प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है दो अल्डिहाइड बने, या एक अल्डिहाइड और एक कीटोनिक प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो ओजोनोलिसिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम। दिस इज कॉल्ड ओजोनो मीन्स ओजोन की प्रेजेंस में, लिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन? डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन। तो डबल बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर ओ थ्री CH2Cl2 की प्रेजेंस में इतने टेम्परेचर पर ये ब्रेक, एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा। बच्चों ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर मैं इसकी जगह दो मिथाइल ग्रुप ले लूं, CH2 की जगह दो मिथाइल ग्रुप ले लूं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, दो मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। ऐसी कंडीशन में जब ये ब्रेक डाउन होगा, आप देख रहे हैं एक ओ इस कार्बन के साथ जाएगा, एक ओ इस कार्बन के साथ जाएगा, और ये ओ जेडन के साथ जो जिंक जा रहा है उसके साथ निकल जाएगा। तो इन दैट केस एक तो बनेगा HCHO और एक बनेगा CH3COCH3। तो डेफिनेटली एक तो कीटोन की फॉर्मेशन आपको दिख रही है CH3COCH3, और एक इसके अंदर HCHO एक अल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है और एक कीटोनिक ग्रुप प्रोपेनॉन बन रहा है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस रिएक्शन, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था। इसी तरीके से अगर हम रिडक्शन करें विद द हाइड्रोजन, ये था ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट। अब हम थर्ड, तो पहला पॉइंट रहा हमारा एडिशन, दूसरा पॉइंट रहा हमारा ऑक्सीडेशन, और तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा रिडक्शन। सो बच्चों जो रिडक्शन रिएक्शन है वो बिल्कुल सिंपल बात है, और क्योंकि आपको 10th लेवल पे पढ़ाई गई थी ये इथीन है, और जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, रिडक्शन करेंगे, तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू द सिंगल बॉन्ड, इथीन कन्वर्ट इनटू द इथेन, और दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट PT PD और निकल। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दीज आर द थ्री कैटलिस्ट विच हेल्प इन द रिडक्शन, ठीक है। एंड डबल बॉन्डेड कंपाउंड आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इट विल बी कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल, तो दिस इज कॉल्ड इथीन, और H2 इसमें ऐड होगा तो बन जाएगा ये इथेन। दो एटम डलते हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, और दीज आर द कैटलिस्ट विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ इथीन टू इथेन। तो इन दिस वे दिस इज द रिडक्शन टेक्स प्लेस। एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी इज पॉलीमराइजेशन। तो लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों पॉलीमराइजेशन। अब ये पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी क्या है, क्या कंसेप्ट है इसके अंदर पॉलीमराइजेशन? सिंपल सी बात है, मोनोमर यूनिट्स का पॉलीमर यूनिट्स में कन्वर्ट होना। छोटे छोटे पार्टिकल्स हो, कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स हो, उसको ज्वाइन करते 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 उसे एक बिग चेन में कन्वर्ट करना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? इट इज अ प्रोसेस इन विच लार्ज नंबर ऑफ ए सिंगल यूनिट, लार्ज नंबर ऑफ ए सिंपल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म ए बिगर मॉलिक्यूल विच हैव ए हायर मास, ठीक है। एंड दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर्स, एंड द बिग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, जब इथीन 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 प्लस इथीन प्लस इथीन, बहुत सारी इथीन एड की जाती है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इथीन को ली जाती है एट द कंडीशन ऑफ ए 473 to 673, लगभग जो इसका क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा विद कंप्रेशर। तो क्या होगा, जब ये इथीन मॉलिक्यूल जुड़ते हैं आपस में, तो ये डबल बॉन्ड इनका खुल के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एक लंबी चेन का मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, ये जो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये लंबी चेन में कन्वर्ट हो गए, तो इसे इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये क्या होगा, एक पॉलीमर होगा। ये जो बना है एक मोनोमर है, और इस मोनोमर का नाम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, दिस इज कॉल्ड इथीन, और ये जो बना है ये पॉलीमर है। लंबी चेन का मॉलिक्यूल को जो N होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे बोलेंगे हम पॉलीथीन, ठीक है। एंड दिस इज टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक डिस्कशन ऑफ द अल्काइन्स, नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्काइन्स, स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइन्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइन्स हम स्टार्ट करेंगे। तो अब पहले हमने खत्म किया अपना टॉपिक अल्कीन्स, फिर किया अल्कीन्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट
अबाउट द टॉपिक अल्काइंस। सो आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, लिख लिख कर दीजिए, देखिए देखिए, रिएक्शन से याद नहीं होती है, ठीक है। सो डू योर वर्क इन ए नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।